Alamin English Medium Primary and High School, SSLC Top Result in Basava Kalyan, Free Admissions Open for LKG and UKG. Alpine Model Pre-Primary School English Medium, Free Admissions for LKG and UKG. Unique Public School English Medium, Free Admissions Open for LKG and UKG. आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास टीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला है जो शादीशुदा है मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस का कन्विक्शन नहीं हुआ सर, मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं, बीजेपी के जितने महिला एमपी हैं उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। ये कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है सर। हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह खयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता। बिल हिंदुस्तान की आईन दफा 14, 21, 15, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है, ये हमारे आईन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब, के क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहेगा नहीं सर, मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है, आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं, इस तरह का कानून बना रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके ताईद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं, मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का अख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। पांचवी बात सर, बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते? बेल देने का अख्तियार डिस्क्रेशन प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है, आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं, 498 में ऐसा नहीं है,
डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्प्शन इनोसेंस, आप वो भी छीन ले रहे हैं, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे, नॉन एस्ट, नॉन एस्ट, जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात सजा दे रहे हैं। मैं ये कानून का स्टूडेंट हूं, एक्सेस रेस है ही नहीं, एक्सेस रेस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अच्छा सर, पॉस्को एक्ट आप तो बड़ी नीयत से बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे, कन्विक्शन रेट 9% है। इस तरह के हिसाब केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा मुबारक हो आपको, आप शायद करेंगे। क्रिमिनल जुरू स्टूडेंट में 3 साल की सजा, सर 153A 233 उसमें 3 साल, इसमें 3 साल को उससे मिला रहे। सर आपका 3 साल इस अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जुरू स्टूडेंट सर। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं। इस्लाम में निकाह नामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वॉयलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है। बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, हमारे घर में सब क्या होता है मालूम। अच्छा सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को अख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का। सर मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजीनस नहीं है, हनफी है, शिया है, अहले हदीस है। अब आप मेरे को बताइए, मुख्तार नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है, अहले हदीस मानते हैं, हनफी नहीं मानते। बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते थे, आप पढ़ लिया करिए, अल्जीरिया में शाफाई है, केरला में शाफाई है, ईरान में शिया है। तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा, मत मिलाइए हमको, हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब है। अच्छा सर, मैं आपको बात बता रहा हूं सर, अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया, आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला है जो शादीशुदा है मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं कमजोर हूं सर, आप ही दो तो भगा दिए अब आप ही। अच्छा सर मैं खत्म कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ सर, मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा के मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी हैं उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर,
और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, ये कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर, हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह खयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहानत का सबूत मत दीजिए। ये कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं।